ओम शांति। 20 अगस्त 2020 के बाबा के साकार महावाक्य। आज की मुरली के 7 मुख्य पॉइंट्स। पहला पॉइंट, बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। बाबा ने कहा, तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का, वह है सबसे बुरा। इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये जैसे बहुत तेज तूफान है। तीसरा पॉइंट, मीठे बाबा कहते हर एक को अपना चार्ट देखना है, मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंच से ऊंच बाप के बने हैं। चौथा पॉइंट, बाप आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वे पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए, हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। पांचवा पॉइंट, मीठे बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। छठा पॉइंट, बाबा ने कहा अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान पतित पावन का हाथ मिला है, फिर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। सातवां पॉइंट, मीठे बाबा ने समझाया है जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का वह समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। ओम शांति। अब मुरली सविस्तार। मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है, देह अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो एक, श्रीमत पर सदा चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल है, आत्माएं तो अनादि हैं ही, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है, एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलें, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बहना जाएं। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है, कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहें। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है,
स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ ना कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तो महात्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम का सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है, हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्मभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग अर्थात बहिष्ट नसीब होता है, हद के बाप से दोजख अर्थात नर्क नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य अर्थात विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही ये पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो यह गीता का युग है। जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है, मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना, इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से, उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं फिर समझेंगे ये तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी। इस सच की नैया को हिलाते रहेंगे, तूफान तो आते हैं ना। तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का, वह है सबसे बुरा। इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये जैसे बहुत तेज तूफान है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर श्री बाबा की होंगी, देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो ना सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए।
अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है, कोई तो लिखते ही नहीं हैं, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो ना सके, अर्जुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है, मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंचे थे ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। रावण राज्य में तो विकर्म होते ही हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आएंगे, सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए, विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बौद्धियों की क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वे आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वे अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो, हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं, बाप आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने। तुम भी कर रहे हो, जो स्थापना करेंगे वे पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए, हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है, तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं, उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरी बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे, वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर ये करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए, मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था, हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है, मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं है। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल्प पार्ट जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है, यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं, सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहें बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी, घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को, जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो।
इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं। शरीर का भान न रहे, हम अशरीरी आए थे फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है, अभी ये अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। तुम कितने साहूकार थे, भले समय पैसे कौड़ी हैं परंतु ये तो कुछ है नहीं, कौड़ियाँ हैं, ये सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाप ने समझाया है पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु ये है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वे फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर ना सकें। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वे कमाते ही हैं पुत्र पोत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं, पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वे राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ ये सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहें। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी हैं। ये है ही दुख धाम, दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वे सब कलयुग में हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ये याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, ये भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना, पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है, वह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है तो ज़रूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़े ही हो सकता है। हम बी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई को ये संशय आए तो समझाना चाहिए, ये तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हम हैं संगम योगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो ज़रूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको ही समझाया है तब तो निश्चय किया है, बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम श्री बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद
प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरा पॉइंट, हम श्री बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, वे बागवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं, हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं, इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान, अवैभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रालब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरा, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अवैभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं, तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति।